हम सभी यहाँ त्रिसूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस 21 तारीख से हमने 24 तारीख तक शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। और त्रिसूत्रीय मांगों में है जैसे स्टाइपेंड मानदेय वृद्धि के लिए, जो कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी पीजी पीएचडी इंटरनीज को स्टेट से 20,000 पर मंथ कम स्टाइपेंड मिलता है। और सेकंड मांग है कि यहाँ पे फीस 3 गुना ज़्यादा वसूली जाती है, ऐसे लगता है जैसे एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि नीट के थ्रू यहाँ गरीब बच्चे हैं, मीडियम फैमिली बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइट करके आते हैं उस एग्ज़ाम को, लेकिन यहाँ पे ना तो उनको हॉस्टल की सुविधा मिल पाती, ना उनको एचआरए दिया जाता है, ना रेजिडेंस की व्यवस्था की जाती है, तो वो बाहर 6-7 हज़ार के रूम लेके बाहर रहते हैं एक गरीब फैमिली के बच्चे, और उनको 4-5 साल तक हॉस्टल नहीं मिल पाता। वो पूरी डिग्री करके निकल जाते तब तक भी उनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है। गर्ल्स है, गर्ल्स की सिक्योरिटी का भी कोई ध्यान नहीं रहता क्योंकि बाहर रहती हैं वो, यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं मिलता उनको। तो ये त्रिसूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है फिर 25 तारीख से, और आज तक यहाँ पे हम ओपीडी का बहिष्कार किया है, और फिर भी प्रशासन इतना मतलब बातों को मतलब नकार रहा है कि ना तो यहाँ पे अपनी प्रतिनिधि को भेज रहा है, ना खुद बीसी वाइस चांसलर सर यहाँ पे बात करने के लिए आ रहे हैं। अब आगे की रणनीति ये है कि अनशन करने जा रहे हैं हम 1-2 दिन में, जब तक प्रशासन नहीं सुनता है। और प्रशासन मतलब हर बार नकार रहा है, और धमकियां भी आ रही हैं कैरियर तबाह करने के लिए, धमकियां दी जा रही हैं सीधी कि इनका हम कैरियर बर्बाद कर देंगे, अगर ऐसे छात्रों पे अन्याय किया जाएगा तो हम 1 दिन भी चुप नहीं बैठेंगे। इसमें पहला तो पीजी का जो स्टाइपेंड है जो अदर कॉलेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, और यूजी इंटर्नशिप का स्टाइपेंड भी कम है। दूसरा जो हॉस्टल की सुविधा है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 3-3 साल तक लोगों को बाहर रहना पड़ता है, बस इन्हीं सब के कारण हम बैठे हैं यहाँ पे 3-4 दिन हो गए। हमारी मेन डिमांड है हॉस्टल्स की, यहाँ पर 1 दिन के लिए जो गेस्ट आते हैं उनके लिए गेस्ट हाउस बना रखे हैं, लेकिन जो 5 साल तक डिग्री करते हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है। थर्ड ईयर तक हॉस्टल नहीं मिल पाता है, गर्ल्स को थर्ड ईयर तक बाहर रहती है, बॉयज़ भी बाहर रहते हैं, तो उनका हॉस्टल की डिमांड हमारी है। मेन डिमांड हमारी हॉस्टल की है, और इंटर्नशिप में स्टाइपमेंट की है, जो कि सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है तो सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट की इंटर्नशिप और ज़्यादा है जबकि हमारी कम है, जबकि हमारे को बराबर का हक चाहिए। 3 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, मांग हमारी 3 है। एक तो जो यूजी का स्टाइपेंड है वो बहुत कम है, इसके अलावा जो पीजी पीएचडी का स्टाइपेंड है वो कम है, जबकि यहाँ पे वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा गर्ल्स जो है उनके लिए हॉस्टल नहीं मिलता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल हो जाते हैं फिर भी उसके बाद भी हॉस्टल नहीं मिलता है। तो ये 3 हमारी डिमांड्स हैं।